उस मेहनत कुछ रंग लाए। हमारे बीच हमारे जो विशिष्ट अतिथि हमारे वक्तागण सब उपस्थित है, तो मैं बारी बारी से चाहूँगा कि हमारे पीजीडी कॉलेज मॉर्निंग के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी मंच पे आए, और साथ में हमारे आज के बीच वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन साहब को भी साथ लेके आए, और अवनिजी सर से निवेदन है कि ब्रजकिशोर शर्मा जी सर को साथ लेके आए, और मैं आदरणीय कृष्णा मैम से निवेदन करता हूँ कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि इंदु मैडम को, प्रोफेसर इंदु बिरंदा जी को जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आई है, उनको भी मंच पे लेके आ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है कि कोई भी कार्यक्रम की शुभारंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं, तो हालांकि ये मुझे पहले ही निवेदन करना चाहिए था, हमारे सारे विशिष्ट अतिथिगण और माननीय स्पीकर से हम बैठ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि ये मेरी ही गलती है, मतलब प्राचार्य जी हमारे मुख्य अतिथि और हमारे जो आदरणीय बीज वक्ता है, आप लोग करें और साथ में सहयोग करें हमारे विशिष्ट अतिथि इंदु, प्रोफेसर इंदु बिरंदा मैम और कृष्णा मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में इस संगोष्ठी की औपचारिक शुरुआत के लिए, आरंभ के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा पीजीडीवी कॉलेज मॉर्निंग के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल सर को। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल सर मूलत हिंदी विभाग के अध्यापक रहे हैं और भाषा विज्ञान के, हिंदी भाषा विज्ञान जो लिंग्विस्टिक है हिंदी के, उसके आधिकारिक विद्वान हैं। इनकी कई पुस्तकें दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में लगी हुई है, पढ़ाए जाते हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे, मैं प्रत्यक्ष रूप से सर का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे सर की लगी कि जब भी मिलते हैं इतने खुश मिजाज और खुश दिल इंसान है कि हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और इतने सहज व्यक्तित्व शायद ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कोई और प्राचार्य में देखने को मिलता है। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल सर को निवेदन करता हूँ कि आप आए और औपचारिक रूप से स्वागत करें और संगोष्ठी का।
अनुवाद विषय इस संवाद और विचार गोष्ठी में जितने भी माननीय अतिथिगण पधारे हैं वो सब किसी न किसी स्तर पर अनुवाद कार्य से अथवा किसी न किसी भाषा माध्यम से जुड़े रहे हैं। माननीय ब्रजकिशोर जी हमारे मध्य हैं और भारतीय संविधान के पहले आधिकारिक अनुवादक वो हैं। भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद जो सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है वो माननीय ब्रजकिशोर जी का है। डॉक्टर मोहम्मद रद्दीन जो डीन हैं और इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर इंदु वीरेंद्रा हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में, तो आप समझ सकते हैं कि कोशिश जो हमारे आयोजकों की रही है वो ये कि जो दो मुख्य भाषाएं अनुवाद की दृष्टि से जिनमें प्रायः चर्चा होती है उन दोनों के विभागाध्यक्ष यहाँ रहें ताकि अधिक से अधिक सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं को जो भागीदार यहाँ पर हैं उन सबको मिल सके। विषय प्रवचन की दृष्टि से अवनिजेश अवस्थी हमारे बीच में हैं। अवनिजेश अवस्थी मीडिया के क्षेत्र में तो जाना माना नाम है ही, लेकिन देश भर में जितने भी बौद्धिक आयोजन होते हैं उन सब में भी आपका प्रायः जाना रहता है। हमारे बीच कृष्णा जी हैं जो मंच पर विराजमान हैं। कृष्णा जी हिंदी की सिर्फ अध्यापिका नहीं है वरन ये एक सृजनात्मक लेखिका भी हैं। कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं और जो कविता कहानियां लिखता है वो कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ें भी पढ़ता है तो मन ही मन अनुवाद भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चलता रहता है। आयोजक हमारे साथ हैं इतने सारे लोग, जैसे इन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में, सच में एक आश्चर्य है कि जब कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही तब इतने अध्यापकों का और इतने विद्यार्थियों का यहाँ पर आना ये आश्चर्य की बात है, सुखद आश्चर्य की बात है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी मेरे बारे में कहा गया कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने पूछा कि भाई मुझे भी कुछ करना है क्या, मुझे तो बताया नहीं कुछ करना, तो उन्होंने कहा नहीं आपको तो स्वागत करना। तो मुझे लगा कि अपने जो प्राय कहता हूँ वही कह रहा हूँ यहाँ पर भी कि जब से प्राचार्य बना हूँ दो ही काम करता हूँ, या तो स्वागत करता हूँ या धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अब ये कहें ना कहें, इन्होंने मुझे कहा स्वागत भाषण, किसने कहा, तो मैंने उसमें स्वागत आपकी तरफ से ले लिया, भाषण अपनी तरफ से ले लिया कि स्वागत कर दिया, भाषण कर देता हूँ। लेकिन फिर देखा कीनोट एड्रेस भी होना है, विषय प्रवर्तन भी होना है, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि हिंदी का विद्यार्थी हूँ इसलिए बोलूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ। एक बात तो ये है कि अनुवाद के महत्व के संबंध में कोई संशय नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुवाद हुआ, अभी नीचे ये विषय भी आया कि माननीय ब्रजकिशोर जी ने ये प्रयास भी किया कि भाई जितने भी विधि के क्षेत्र हैं खासतौर से न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय तक, आप जानते हैं हमारे यहाँ उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में प्रायः अंग्रेजी में ही जो फैसले हैं वो दिए जाते हैं, तो उस दृष्टि से अनुवाद का महत्व जो है वो है ही। और वैसे भी मुझे लगता है कि चाहे विधि का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, इन सब में अनुवाद का महत्व स्वयं सिद्ध है। और शायद यही सोचकर आज ये विषय लिया भी नहीं, क्योंकि जब ये चुनौतियों की बात करें, हालांकि चुनौतियाँ तो उनमें भी रहती हैं, चुनौतियाँ तो इन सब विषयों में भी रहती हैं जब आप अनुवाद की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने शायद इसीलिए साहित्यिक अनुवाद की बात ज्यादा की। तो
जब आप अनुवाद की बात करते हैं, एक चीज मेरे मन में आती है, हम ये पढ़ते पढ़ाते भी रहे हैं कि अनुवाद तो कि दो भाषाओं को समझकर हम उन भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं, यानी एक भाषा जो भी हम पढ़ रहे हैं जिसका हमें अनुवाद करना है या सुन रहे हैं उसका अनुवाद करना है, वो भी भाषांतर जो होता है वो भी अनुवाद है, तो उसका अर्थ, उन शब्दों का अर्थ हमें ठीक से आना चाहिए। लेकिन एक दार्शनिक प्रश्न भी यहाँ पर उभरता है जो प्लेटो से शुरू होता है, जिसमें वो कहते हैं कि कवि को उस आदर्श राज्य से बहिष्कृत कर देना चाहिए, कि क्या शब्द का कोई अर्थ होता भी है, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, किसी शब्द का जो अर्थ हम बताते हैं क्या वास्तव में वह उसका अर्थ होता है। क्योंकि तो हमारे यहां जो बात कही गई वो ये कि जो शब्द और उसका अर्थ है वो तो जल और बीज के समान है, गिरा अर्थ जल बीज के समान, कहिए तो भिन्न न भिन्न। और ऐसे ही जो कालिदास ने कहा कि वंदे वाणी विनायक को पार्वती परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर के समान, जल और बीज के समान, ये कंसेप्ट रहा है। तो ऐसे में शब्द का अर्थ समझना और उसका दूसरी भाषा में अर्थ खोजना, ये निश्चित रूप से अपने आप में ही चुनौती है। इसलिए आप साहित्य अनुवाद की बात करें, किसी दूसरे अनुवाद की बात करें, तो अनुवादों का अध्ययन की बात करें, चुनौतियां तो वहीं से शुरू हो जाती हैं जब आप अनुवाद की बात करते हैं, जब आप शब्द की बात करते हैं, वहीं से चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। अभी मैं की नोट एड्रेस की बात कर रहा था और इन्होंने शब्द का भी बीज वक्तव्य देंगे, दो चीजें हैं, तो ऐसे मेरे मन में आया कि की और बीज, क्या ये सही अनुवाद है? अनुवाद तो है, चल रहा है, यही प्रयोग होते हैं। फिर मैंने और सोचा आगे, की क्या करती है? की बंद दरवाजे को खोलती है, यानी सामग्री अंदर पहले से है, उसका ताला आज प्रसव खोलेंगे और जो पहले से तैयार सामग्री है वो मिल जाएगी। जो दो दिन हमारी गोष्ठी चलनी है वो सारी सामग्री तैयार है, रेडीमेड है, पहले से हमें वो मिलने वाली है। लेकिन अगर आप बीज की बात करेंगे तो बीज को तो अभी आप वपन करेंगे, बोएंगे, उसके बाद वो सिंचित होगा, बड़ा होगा, तब उसमें जाकर फल फूल लगेंगे। तो क्या शब्द दोनों एक जैसे उपयुक्त हैं? कोई एक अधिक उपयुक्त है? मुझे लगता है कि बीज ज्यादा उपयुक्त है, मुझे लगता है। उसका कारण शायद ये है कि ये जो विचार शुरू होता है, ये जो चर्चा शुरू होती है, ज्ञान वार्ता शुरू होती है, ये यहाँ समाप्त नहीं होती, दो दिन में समाप्त नहीं होती। हम अगर दो दिन में उसे समाप्त कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, हमने यहाँ से कुछ भी लिया नहीं। ये तो आगे बढ़ना चाहिए, ये विषय आगे बढ़ना चाहिए। और दो दिन नहीं तो दो महीने, दो साल, 20 साल लगातार चर्चा होती है, तब विषय की जितनी संभावनाएं हैं वो सब निकल कर आती हैं। बहरहाल ये मेरी अपनी एक व्याख्या है, लेकिन यहां ये विषय नहीं है। विषय है कि क्या वह उसके लिए उपयुक्त शब्द है। चूंकि हम सुनते आ रहे हैं परंपरा से, और शब्दों के साथ तो यही होता है, हम परंपरा से जो सुनते रहते हैं वही उसका अर्थ होता है, वही हम स्वीकार कर लेते हैं, तो उस माने में हम स्वीकार कर लेते हैं कि कीनोट एड्रेस जो है वो बीज वक्तव्य है। लेकिन मैंने कहा कि अनुवाद की दृष्टि से सोच कर देखें, मैं और भी दो तीन चार चीजें मन में आती हैं, सिर्फ और विषयों को लेकर भी आती हैं। जैसे ऑफिसर शब्द है, तो ऑफिसर का हिंदी पर्याय अधिकारी, अधिकारी में क्या महत्वपूर्ण है? अधिकार।
ऑफिस में क्या महत्वपूर्ण है? कार्यालय। तो क्या उपयुक्त पर्याय हैं? मुझे लगता है कि चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं। मैं यहां समस्या का समाधान नहीं कर रहा हूं ना मैं करने वाला हूं, क्योंकि ये सब काम अगर यहां पर होना है तो दो दिन हम सबको उस पर पूरा मंथन करना है। ऐसे ही जब साहित्य की चर्चा होती है तो साहित्य में तो ऐसी अनेक चीजें आपको मिलेंगी जिनके बारे में आप कह सकते हैं। मैं अनुवाद को लेकर एक बात कह सकता हूँ कि मैं अपने मन में कन्विंस हूँ कि जिसको आप अनुवाद कहते हैं वो साहित्य का अनुवाद करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सृजनात्मक लेखन शायद उतना कठिन नहीं, लेकिन दूसरे ने जो सोचा, दूसरे ने उसे जिस रूप में व्यक्त किया उसे लगभग उसी रूप में प्रस्तुत करना, ये अगर असंभव ही अगर सकते, लेकिन अगर असंभव नहीं तो सबसे कठिन कार्यों में से एक है। ये जो छायानुवाद की बात होती है, भावानुवाद की बात होती है, मुझे लगता है कि ये सब अनुवाद के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन जिसको मैं अनुवाद मानता हूँ वो यही है कि जो मूल लिखा हुआ है वह उस मूल के अधिक से अधिक निकट रहते हुए दूसरी भाषा में अपनी बात कह दी जाए। इसमें भी मुझे एक चीज लगती है और वो ये कि जो समान भाषा परिवार की भाषाएं, एक भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं या समान संस्कृति की जो भाषाएं हैं उनमें अनुवाद अपेक्षाकृत सरल है, जो दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं हैं उनमें अनुवाद कठिन होता है। बहुत सारी चीजें, वक्ता की दृष्टि से आप सोचें, लेखक की दृष्टि से आप सोचें, पाठक की दृष्टि से आप सोचें, श्रोता की दृष्टि से आप सोचें, सब कुछ तो भिन्न होता है। लेखक की, श्रोता की, वक्ता की, सबकी तो पृष्ठभूमि भिन्न होती है, भाषा की भी पृष्ठभूमि भिन्न होती है, पूरा चिंतन भिन्न होता है। उस सबको यथार्थ के अधिक से अधिक निकट रखते हुए उतारना, कागज पर उतारना, वाणी में उतारना, ये बहुत मुश्किल काम होने से है। कई उदाहरण मेरे मन में है इस समय साहित्य को लेकर, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, फिर थोड़ी सी बात एक दो उदाहरण से अपनी बात कहूँगा। रत्नाकर की पंक्तियाँ हैं, उजगी उजगी पद कंजन की, कंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छह लगी, हम कौन लिखियो कहा, हम कौन लिखियो कहा, हम कौन लिखियो कहा, कहन सब लगी। अब इसमें जो उमंग है, जो उत्सुकता है, जो भावना है, जो वो सब जो उनके उद्गार हैं वो किसी भी अनुवाद में कितने उतर पाएंगे ये कहना कठिन है। ऐसे ही लहर की, लहर का एक गीत है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घर उषा नागरी। अब एक एक शब्द को आप ले लीजिए, बीती, तो ये जो बीती है ये व्यतीत हुई तो नहीं है, समाप्त हुई तो नहीं है, खत्म हुई तो नहीं है, बीती है। बीते ना बिताए रहना वो वही है, खंडित नाई का है मान लीजिए। विभावरी ये सिर्फ रात्रि नहीं है, और मुझे तो इससे भी आगे बढ़कर लगता है री, ये री का अनुवाद, ये री की जो आत्मीयता है, ये री की जो भावना है, ये कहां से आई? तो ऐसे ही खग कुल 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 सा बोल रहा किसले कांचा, अब ये कुल 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 कहां से आएगा? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए चुनौतियों से भरा हुआ है अनुवाद का संसार, और इन सब चुनौतियों को आज पहले कीनोट एड्रेस में उसका ताला खोला जाएगा। आप उसे बीज मानकर आगे विचार करते रहिए, साल दो साल चार साल, अवनी जैसी जहाँ से शुरू करें विषय को, वहाँ से फिर विषय को आगे बढ़ाइए। ये गोष्ठी सफल होगी इसका विश्वास मुझे पहले दिन से नहीं, पहले क्षण से है, इतनी सारी संख्या छुट्टियों में, और यहाँ पर ये सिर्फ वही लोग हैं जो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं, कोई ना कोई और काम छोड़कर आए हैं, कोई ना कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर आए हैं, कॉलेज की पढ़ाई, क्लास की पढ़ाई, कोई अपने खेल छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो इनके अंदर ज्ञान की लालसा है और लालसा इनकी पूरी होगी इन दो दिनों में। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, मेरी ओर से जो भी सुविधा
कॉलेज की दृष्टि से आवश्यक होगी हम दे सकेंगे वो आपको मिलेगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विभिन्न उदाहरणों से, चूंकि आप भी एक भाषा के विद्यार्थी है और भाषा पर आपने काफ़ी काम किया, और हम सभी जानते हैं कि अनुवाद और जो भाषा है इसके बीच गहरा अंतर संबंध है। जो भाषा विज्ञानी होते हैं, जो लिंग्विस्ट होते हैं, अनुवाद को बेहतर तरीके से समझते हैं और अनुवाद को वो अच्छे से परिभाषित भी कर पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार सर। अभी एक छोटी सी, इससे पहले कि हम और आगामी कड़ियों में हम जाए, हम अपने सारे अतिथियों का, सारे वक्ताओं का हम स्वागत करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ हमारे साथी पुष्पा इसमें हमारी कुछ मदद करें। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर अवनीश अवस्थी सर से निवेदन करता हूँ कि वह हमारे परम आदरणीय ब्रजकिशोर शर्मा जी का स्वागत करें, और स्वागत के लिए मैं पुष्पा से निवेदन करता हूँ कि मोमेंटो और एक असमिया गामुछा है उसको ऐसे कर देना। हाँ, इसको हम लोग गामुसा बोलते हैं असम में, यहाँ पे गामुछा भी बोलते हैं, लेकिन ये असमिया संस्कृति की संस्कृति का प्रतीक है और बहुत सम्मान है असम में इसका। हमारे डॉक्टर, हमारे पीजीडी कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल सर से निवेदन करता हूँ कि हमारे आज के बीज वक्ता प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन साहब का गामुछा और मोमेंटो देकर स्वागत करें। तैयार रखें पहले से ही, उसको सीधा कर दें। अब मैं इसी कॉलेज हिंदी विभाग के वर्तमान प्रभारी आदरणीय डॉक्टर कृष्णा मैम से निवेदन करूंगा कि जामिया के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर इंदु वीरेंद्र मैम को मोमेंटो और गमछा देकर स्वागत। हालांकि गमछा जो शब्द है यहाँ का, इसका अर्थ अलग है, लेकिन हमारे जो असमिया, मैं भी असम से हूँ और वहाँ गामुसा बोलते हैं। अब मैं हमारे शोध संवाद रिसर्च फोरम के उपाध्यक्ष अतुल वैभव से निवेदन करूंगा कि हमारे परम आदरणीय अवनीश अवस्थी सर का सेम प्रोसेस से स्वागत करें। भरत सहयोगी छोटे भाई भरत से निवेदन करूंगा और इसी कॉलेज के अध्यापक भरत से निवेदन करूंगा कि कृष्णा मैम जी को, आदरणीय डॉक्टर कृष्णा मैम का स्वागत करें। वही बहुत अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया। और अंत में, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, क्योंकि प्राचार्य जो होते हैं वो खुद एक आयोजक होते हैं और मैं भी इसके एक आयोजक का हिस्सा हूँ, तो मैं तो खुद नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्राचार्य महोदय को बहुत ही गर्म जोशी के साथ और आपके सबके मतलब ताली की गड़गड़ाहट के साथ हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी को स्वागत के लिए मैं सुनील से निवेदन करता हूँ कि हमारे शोध संवाद के सदस्य है, इसे निवेदन कर सकते हैं। बहुत
कम समय में हम सर के पास आए थे एक निवेदन लेकर कि सर हम एक संगोष्ठी आयोजित करना चाहते हैं, और सर ने हमें अनुमति दी इसकी, और उन्होंने और भी बहुत सारी मदद की हमारी इस संगोष्ठी को आयोजित करने में, तो हम हमेशा आभारी रहेंगे इस बात के लिए। और एक व्यक्ति है जिनका आभार हम अलग से व्यक्त करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि संगोष्ठी की जो आगामी कड़ी है वो आगे बढ़े। तो इस संगोष्ठी के विषय परिवर्तन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी सर का को स्वागत करता हूँ। और अवस्थी सर के सर का जो परिचय है वो बहुत बड़ा है, लेकिन सर को ये पसंद नहीं। अभी देखिए सर, मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया सर आ गए, तो मैं स्वागत करता हूँ सर को। और सर मंच पर उपस्थित हम सबके परम श्रद्धे आदरणीय ब्रजकिशोर जी, प्रोफेसर असद जामिया विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर इंदु वीरेंद्र जी, मुकेश जी, कृष्णा जी और मित्रों, मुझे सिर्फ विषय प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है, बीच वक्तव्य असद साहब ने देना है। दोनों चीजें हैं आज के इस दो दिवसीय गोष्ठी में, अनुवाद और तुलनात्मक अध्ययन। और अनुवाद और तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन के साथ अनुवाद शब्द शायद इसीलिए जोड़ा गया है, संभवतः सामान्यतया तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुवाद की बहुत आवश्यकता होती है। और तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में, उसकी महत्ता या उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा हुई है पिछले दिनों। असद साहब को शायद अंदाजा होगा, देयर वाज अ बुक बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, द डेथ ऑफ ए डिसिप्लिन, 2003 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी। एंड शी इज द फाउंडर मेंबर ऑफ अमेरिकन कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन। किताब तो कहती है, शीर्षक से रखता है द डेथ ऑफ ए डिसिप्लिन, कि जैसे कंपैरेटिव स्टडीज जो है उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वास्तव में अगर किताब को पढ़ें, बहुत ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, तो उसमें कंपैरेटिव स्टडी की ज़रूरत खास तौर से बहुत रेखांकित की गई है। अमेरिका में, मैं इसलिए वहां से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद अपने देश तक भी आऊंगा। 1965 में पहली रिपोर्ट ऐसी बनी कि अब कंपैरेटिव स्टडीज हमें करनी चाहिए, और उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स, मानक क्या हो सकते हैं। 1975 में दूसरी रिपोर्ट आई, 1992 में अमेरिकन कंपैरेटिव लिटरेरी एसोसिएशन बनी कोलंबिया में, और उसके पश्चात लगातार इस बात पर बल दिया जाने लगा। मैं जहां से मुकेश जी ने बात शुरू की थी कि अनुवाद की जरूरत और अनुवाद में चुनौतियां क्या होती, एक रसखान की पंक्ति है, ताही अहीर की छोहरियां छछिया पर छाछ पर नाच नचावे, इसका अनुवाद कैसे हो सकता। इसका समूचा सौंदर्य इन शब्दों में है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसका अनुवाद कैसे हो सकता है। आप ये तो कह सकते हैं कि इतना ये था, चांदनी पड़ रही थी, मून लाइट थी, पानी था, वाटर था, ये सब था, बट जो सौंदर्य है वो कविता का सौंदर्य, और सिर्फ मैं कविता का संदर्भ सिर्फ कविता तक सीमित नहीं रखूंगा, ये समूचे जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे या अनुवाद करेंगे, और तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुवाद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एक भाषा से जब दो भाषाओं के बीच में अनुवाद करेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है जो हमेशा रहेगा। हर भाषा का अपना एक मुहावरा होता है, फ्रेज होता है, एक ईडियम होता है, वो दूसरी भाषा में रूपांतरित नहीं हो सकता। अनुवाद भाषा का रूपांतरण भर मात्र है या नहीं, इस पर लंबे समय तक खूब चर्चा चली है, खूब बहसें हुई हैं, क्या अनुवाद सिर्फ भाषांतर है या अनुवाद इससे कुछ अधिक है। मैं मानता हूं कि ज्ञान विज्ञान के तमाम अनुशासनों में शायद
भाषांतर पर्याप्त होता है। अंग्रेजी में एक सूचना लिखी हुई है और उसको आपने किसी भी भाषा में, सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भाषा में आपने प्रस्तुत कर दिया, अनुवाद हो गया। लेकिन अनुवाद जब साहित्यिक कृतियों का आता है तब यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या वास्तव में अनुवाद संभव है कि नहीं। और अनुवाद संभव इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए बात ये मैं कह रहा हूं कि साहित्यिक कृति का पारायण, पठन पाठन आनंद के लिए किया जाता है, सहृदय आस्वाद करता है उसका। क्या वास्तव में अनुदित कृति का वास्तविक सौंदर्य जो रचनाकार का था वो अनुवादक ला सकता है या नहीं ला सकता? काफी पास तक तो पहुंच सकता है, भाव तो ला सकता है, लेकिन जो सौंदर्य है उसका, भाव भूमि और जो वस्तु है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मूल कृति और अनुदित कृति में कितना कम हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। एक बात ये, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ विषय परिवर्तन 5-7 मिनट के लिए बोलना है, इसलिए बहुत ज्यादा असद साहब हमारे बीच में है और अधिकारी विद्वान है, सचमुच वे इस विषय पर बहुत सारी, जैसा कि मुकेश जी ने कहा, गुत्थियां खोलेंगे और हम लोगों के सामने वो विषय भी रखेंगे, बिंदु भी रखेंगे, मुद्दे भी रखेंगे जिनके कारण अनुवाद की दुरुपयोगता कम हो सकती है या अनुवाद की क्या उपयोगिता है, अनुवाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तुलनात्मक साहित्य के बारे में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, अनुवाद और तुलनात्मक साहित्य के जैसे इंटरलिंक्ड है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी ना एक मूल प्रवृत्ति है तुलना करने की। हम कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं तो जो दूसरी अच्छी चीज पढ़ी होती है उससे सहज तुलना कर, मैं पाठक की बात कर रहा हूं, आलोचक की बात नहीं कर रहा हूं, आलोचना तो तुलनात्मक अध्ययन के बड़े सारे स्टैंडर्ड्स में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, इस स्तर पर होना चाहिए, ऐसा तय किए गए हैं। और जिस एसोसिएशन की बात मैं कर रहा था, अमेरिकन कंपैरेटिव लिटरेरी एसोसिएशन, उसने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, पैम्फलेट आया उसके 1992 के आसपास शायद एक आया, उसमें बताया गया। लेकिन एक सामान्य पाठक, सामान्य पाठक, सामान्य व्यक्ति जो होता है, दो कृतियों को पढ़ने के पश्चात एक अच्छी कृति पढ़ी, उसको उससे अच्छी या उसके तुलना में कि वो कृति ऐसी थी, एक सामान्यतया तुलना करने लगता है। तुलना व्यक्ति की, मनुष्य की साधारण प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति को अनुशासन के रूप में बांध देना, वो तुलनात्मक अध्ययन है। तुलना हमारी सहज प्रवृत्ति है। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलना शायद सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके लिए अनुवाद की जरूरत नहीं है। हम हिंदी वाले तो बहुत लंबे समय तक जानते हैं कि बहुत बड़ा एक बहस चली देव और बिहारी की, ऐतिहासिक बहस है, देव बेहतर या बिहारी बेहतर। बहुत ज्यादा आप लोग जो पढ़ते हैं तो बार बार इस बात की चर्चा आती है, कबीर और सूर और तुलसी की चर्चा हुई, सूर और कबीर की चर्चा होने लगी, एक तो दोहा ही बड़ा प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी सी, उड़गन केशव दास, अब के कवि प्रकाश, ये पूरा तो क्या है, ये तुलनात्मक अध्ययन है हिंदी के, एक ही भाषा के कवियों का। तो ये तुलनात्मक प्रवृत्ति जो है हमारी, वह वास्तव में मानव की मूल प्रवृत्ति है। उस मूल प्रवृत्ति को एक अनुशासन के माध्यम से एक सही जगह तक, एक सही स्वरूप प्रदान कर देना, यह तुलनात्मक अध्ययन की एक विशिष्टता या आवश्यकता है, जहां पे व्यक्ति, पाठक या कोई भी सहृदय दो कृतियों के बीच में, कई कृतियों के बीच में, कई भाषाओं के बीच में, और उससे ज्यादा बड़ी बात मैं कहूं तो दो समाजों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है, प्रस्तुत भी करता है, उसको ग्रहण भी करता है। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि शायद अगले दो दिनों में जो भी हम लोग बात करेंगे उसमें ज्यादातर साहित्यिक अनुवाद की बात करेंगे, उसमें जो तकनीकी अनुवाद है उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। तकनीकी अनुवाद आज के युग में तमाम सूचनाओं के संदर्भ में तो ठीक है, हमें चाहिए होता है, हर भाषा में चाहिए होता है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो सूचनाओं को भी छोड़ करके बाजार की बहुत ज्यादा रट लगाई गई विज्ञापन में,
एडवर्टीजमेंट पे सबसे ज्यादा भाषाओं की जरूरत होती है। अगर आप आजकल तो सब सारे भाषाओं के चैनल उपलब्ध होते हैं, आप जो विज्ञापन अपनी भाषा में देखते हैं वही अगर आप कोई रीजनल चैनल लगाएंगे तो वही विज्ञापन आपको उस भाषा में दिखाई देगा। कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उस समाज तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उसकी भाषा। भाषा के बिना वो संभव नहीं है। पहली जो शर्त है वो भाषा है। इसलिए और भाषा है तो वो कैसे होगी, वो अनुवाद के माध्यम से होगी। जो हम लोगों के पास शब्द है अनुवाद, उस भाषा में अनुवाद, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, हम अपनी बात को जिस भी समाज तक पहुंचाना चाहते हैं उस समाज तक पहुंचाने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं मुझे कहा भी गया था और ये मैं मानता भी हूँ, स्पष्ट मानता हूँ कि मुझे सिर्फ कुछ जो मेरी समझ में थे बिंदु उनको मैंने रखा है, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा कि इस जब हम पूरे इस भूमंडलीकरण के दौर में जब कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, गांव के बराबर हो गई है, ऐसे मुहावरे, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, तो उसमें अपनी बात को और अपने विचार को हर समाज तक पहुंचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनुवाद, उसकी भाषा के माध्यम से। और फिर वो समाज, हर समाज चाहे अनचाहे, जाने अनजाने तुलना करता है। हम सब लोग पूरे दिन भर में न जाने कितनी बार हम कुछ भी चीज़ खरीदने भी जाते हैं तो तुलना करते हैं, हमारी कंपैरिजन होता है। तुलना उस मूलभूत प्रवृत्ति को इस संगोष्ठी के माध्यम से कैसे अध्ययन की दृष्टि से, कैसे अध्यवसाय की दृष्टि से, कैसे विश्लेषण और विवेचन की दृष्टि से हम उसका एक मानक निर्धारित कर सकते हैं, ताकि अनुवाद के पश्चात तुलनात्मक अध्ययन एक निश्चित निष्कर्ष और निर्णय तक पहुंच सके। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं से ख़त्म करूंगा। द डेथ ऑफ ए डिसिप्लिन बाय गायत्री चक्रवर्ती जो किताब आई, उस किताब में इस बात पर बहुत डिटेल से, छोटी किताब है लेकिन शायद कंपैरेटिव स्टडीज़ के हर एंगल को बहुत बेहतरीन तरीके से, उसकी चुनौतियों को, उनके ज़रूरतों को और कैसे कैसे तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, प्रवृत्ति कम होती जा रही है। और तुलनात्मक अध्ययन का मतलब सिर्फ एक का दूसरे पर प्रभाव दिखलाना भर मात्र नहीं होता। अब तक जो लंबे चौड़े शोध प्रबंध हुए उसमें तुलनात्मक अध्ययन के नाम पर फला व्यक्ति का फला पर प्रभाव, या बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर का छायावादी कविता पर प्रभाव, या इस तरीके से हम करते रहे हैं, वो सब कुछ तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन में दोनों रचनात्मक कृतियों का अपने आप में स्वतंत्र रूप में उस समाज में, उस परिवेश में, उस संस्कृति में, उस समाज में क्या स्थिति थी, कैसे वो उसको अभिव्यक्त कर पाया है, कैसे संप्रेषित कर पाया है, उसमें कितना सफल हुआ है और हम उसको पढ़ करके कितना समझ पाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे और आयाम हो सकते हैं। मुझे लगता है कि विषय प्रवर्तन की दृष्टि से मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, उसके बाद बाकी के लोग वक्ता इसमें अपना अपना मत वक्तव्य करें। असद साहब बहुत अधिकारी विद्वान हैं, वे कीनोट एड्रेस यानी कि बीज वक्तव्य कुछ रहस्यों को खोलेंगे, कुछ तालों को खोलेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश अवस्थी सर। आपने